बीडीएल के लिए स्वीट स्पॉट है, इसीलिए रख रहा हूं इसको। और एक प्राइवेट स्पेस की कंपनी, वो जो रीसेंट लिस्टिंग थी, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक जितना चला उतना ही वर्टिकली, जितना चला था उतना ही करेक्ट होता हुआ नजर आया। अब एक कंसोलिडेशन मोड में, इंटरेस्टिंग कंपनी थी, आईपीओ रिलेटेड सारे अप्स एंड डाउन्स फिजल आउट होते हुए नजर आए। अब शायद इस तरह के न्यूज फ्लोज पे होपफुली रिएक्ट कर सके, इसीलिए इन ग्रीन रखा है। चार निपटा दिया, तो पहला जो स्टॉक है वो है मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिसको आम भाषा में लोढ़ा डेवलपर्स कहते हैं। इनके बिजनेस अपडेट्स आए हैं, उसमें काफ़ी बढ़िया दिखे गए। करीब कलेक्शन में 36% की ग्रोथ देखी गई है, और जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट देख रहा है, और जो है डिक्लाइन हुआ है नेट डेट में 6% का। यूके में भी इनका जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ से भी अच्छा बिजनेस देखने को मिल रहा है, 1700 करोड़ की सेल्स वहाँ से भी चौथी तिमाही के दौरान देखने को मिली है। तो वैसे भी देखो रियल एस्टेट में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखी है, और तमाम हम लोग जो बात करते हैं तो बताते हैं कि अभी भी रोबस्ट डिमांड है। केनफिन होम के जो CMD साहब थे वो तो इतना बुलिश थे, कह रहे कि बहुत ही बम्पर डिमांड आ रही रियल एस्टेट में कंट्री वाइड, कहीं ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह से। तो इस पर ध्यान रखना चाहिए, ये ग्रीन ट्रेड हो सकता है। और इस बीच जेफरीज ने इस पर अपनी एक रिपोर्ट भी निकाल दिया सुबह सुबह, और उन्होंने 1475 रुपये का टारगेट दिया है मैक्रोटेक के लिए। इसी सेगमेंट की कंपनी शोभा डेवलपर्स है, जो साउथ बेस्ड है, और मुझे ये लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट है तमाम रियल एस्टेट कंपनीज के ऊपर आएगा। एक और कंपनी, शायद छोटी सी कंपनी जिसने अपना अपडेट दिया है, लेकिन शोभा और ब्रिगेड दोनों साउथ की कंपनीज पे ध्यान रखिएगा, ग्रीन ट्रेड होगा। बिजनेस अपडेट हमें लगता है यहाँ पे भी बढ़िया है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर एज ए होल पूरा काफ़ी बेहतर यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है। तो इन दोनों पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट में बढ़िया तेजी यहाँ से बनती हुई देखने को मिल रही है। तो तीन मैंने बता दिया रियल एस्टेट, अब आप अपने दो बताइए पहले अगले।